राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में कुत्तों के आतंक से आजकल अधिवक्ता परेशान है। करीब एक दर्जन अधिवक्ताओं को कुत्ते ने काट लिया है। वहीं कुत्तों के बढ़ते आतंक की वजह से अधिवक्ताओं में रोष है। हाईकोर्ट परिसर में कुत्तों ने फरियादियों को भी काटा है। कुत्तों के बढ़ते आतंक की वजह से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर नगर निगम की डॉग एस्क्वाड टीम पहुंची है और कुत्ते को पकड़ने का प्रयास जारी है। आज तहसील कार्यालय के सामने अभियोजन भवन में जो न्यायालय चल रहे हैं उसमें JMCR के बाबू को कुत्ते रेबीज से ग्रस्त कुत्ते ने काटा है और हम लोग उसके पीछे दौड़े तो वो हमारे पीछे दौड़ा तो डर के मारे हम भी भाग गए। किसी ने भी उस कुत्ते को पकड़ने की हिम्मत नहीं और वो लगातार कुत्ता यहाँ पर कई घटनाएं कर चुका है। किसी भी आदमी को रेबीज होकर के आदमी मर सकता है और प्रशासन का कोई रुक नहीं है, उस इख्तियार नहीं, प्रशासन कोई रुक इख्तियार नहीं कर रहा है उस कुत्ते को पकड़ने के लिए। आज आए हाईकोर्ट परिसर में एक कुत्ता है जो बीमार लग रहा है और वो कमज़ोर भी है और आज कम से कम 10-15 वकीलों जो है इनको काट खाया है और इससे बड़ी दहशत होगी कोर्ट में और हम ये चाह रहे हैं कि इस कोर्ट परिसर में जिस कुत्ते ने काटा है उसके जो है वो नगर निगम के द्वारा उनको पकड़ा जाए और साथ ही उसकी जो है नगर निगम इसके लिए दायित्व लाइबल भी है कि इस तरह से जो है आवारा पशु जो घूमते फिरते हैं उनको जो है नगर निगम पकड़े और उनके जो है समुचित व्यवस्था की जाए। और इस तरह से अगर कोर्ट परिसर में जो कुत्ते काटे गए जिनमें हमारे पूर्व महासचिव फिरोज खान जी, संदीप सिंह जी चौहान सिंघानी जी, चंद्रशेखर जी, अन्य को का हमारे कोर्ट के लीडर उनको भी इस कुत्ते ने काट खाया और इसके अलावा भी और कुत्ते ने काट खाया है जिसकी मुझे जानकारी अभी मिली है कि कम से कम 6-7 और व्यक्ति को काट खाया है। इस तरह से कुत्ते काट खाने से इससे कोर्ट में अफरा तफरी मिल गई। यहाँ तक कि दो अधिवक्ता महोदय जो कि इस कुत्ते काट खाने के जो है वजह से गिर गए और उनकी जो है वो गिरने की वजह से उनकी ड्रेसेज भी खराब हो गई जो कि ये इसका तस्वीर जो है कई लोग इसके गवाह बने हैं और इस तरह से इस कोर्ट परिसर में जो ये आवारा पशु या कहीं भी मिलें तो मेरा ये गुजारिश रहेगी सरकार से कि इस तरह से आवारा पशुओं पर नियंत्रण की जाए। सर कैसा माहौल हो गया था यहाँ? माहौल में अफरा तफरी थी और अफरा तफरी क्या मतलब कुत्ते ये काट खाने से यहाँ एक इंजेक्शन लगाए गए हैं, यहाँ पूर्ण रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं होने से लोगों ने अपना उपचार के लिए अन्य अस्पताल और राजकीय अस्पताल MGH या MD में सहारा लिया और मैं ये कहना चाहूँगा कि भी इससे अफरा तफरी मची है। साथ में ही ये कि भी इस तरह से कोर्ट परिसर में इस तरह से हालात होंगे ताकि कहाँ दूसरी जगह के हालात होंगे इसकी जो है परिकल्पना नहीं की जा सकती।